अब वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और जेल लेवाने नहीं जा रहे हैं, अब वो हम पर मुकदमा करेंगे तो हम तो जेल जाएंगे ना। मैंने कहा अच्छा, हमने कोई बात ना, हमें उन्होंने ये संकेत कर दिया। तो हमने एक यज्ञ किया और यज्ञ पर एक घटना सुनाई। मैंने कि हमारे पड़ोस में एक चौधरी साहब रहते थे जिनका नाम था खूबचंद। और आपको बता रहे हैं बिल्कुल जिंदा मिसाल है, बीती हुई बात है, ये कोई कहानी नहीं। उनकी लड़की ब्याही थी उजियानी में, उजियानी में बेटी ब्याही थी, लेकिन उस लड़की को लगभग 8 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था। उसका वो पति कहने लगा मैं अब तुझे छोड़ूंगा और शादी करूंगा। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ो मत, शादी तो दूसरी कर लो लेकिन मुझे छोड़ो मत। मैं जब शादी तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारी भी सेवा करूंगी और उसकी भी सेवा करूंगी, मुझे अपने घर में रहने दो। लेकिन ये कहानी चलती रही, झगड़ा भी ससुरालियों से करता रहा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो गया कच्चे, चल तेरे पिताजी ने खबर भेजी है तुझे घर पहुंच, वहां दिखा लाऊं। उस लड़की को लेकर जाता है हमारे सहसवान के लिए। वहां से एक रास्ता तो बाजार में को मुड़ी थी, एक रास्ता उसके घर को मुड़ी थी। तो बोला कि तू तो घर को चल और मैं बच्चों को कुछ मीठा ले आऊंगा। वो सीधी लड़की बेचारी ज्यादा चालाक तो थी ना, वो तो घर के लिए चली गई। अब वो वापस वहीं से बस में बैठ के और कहाँ पहुंचा, उजियारी पहुंचा। बहुत अंधेर तक इंतजार करते रहे घर वाले के, वो गए मीठा लेने के लिए और लड़की को लेके आए। क्या मामला है पता चला के वो चले गए। हालांकि ये उसमें विवाद बढ़ता गया, लेकिन यहाँ तक हुआ उसने इस्तीफा देना शुरू किया तहसील में, हमारे यहाँ सहसवान में। तो जिस समय पर उसमें मतलब अंगूठा निशानी जब लगी तो उस लड़की ने पैर पकड़ लिए और बहुत रोई, और रोने के बाद में उसने पैर को झटका दिया। उस लड़की पिता ने कहा छोड़ रहे, छोड़ जाने दे, तू रोती क्या है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। हालांकि लिए ऐसा हुआ उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया। और इसका भी अच्छा पिता कहां तक बैठा ना रखे। हमारे जिला में ही सोरा है, सोरा करियामई है, सोरा करियामई से आगे को खुशहालपुर गांव पड़ता है। वहां के एक किशन लाल नाम के थे, और जब महाशय जी जो हैं हमारे यहाँ याद रहा किशन मुनि, इनकी बहन भी आई थी उनके लिए, वो मर गई थी। सबने कहा कि चलो भाई इनके लिए जी लड़की कर दो, उन्होंने भी कहा उनके लिए कर दी गई। और वो लड़की अब तो वो अभी मरी है, उसके नाती पंती आज भी मौजूद है। विचार कर, उसके नाती पंती आज भी मौजूद है, उनके विवाह शादी होना बहुत बड़ा कुनबा है उसका। और जो कि छोड़ के गया था उजियानी वाला, विवाह किया वो पत्नी भी मर गई, खुद मर गए, माता पिता तो सभी के मरते हैं। आज उस ठेला पर कौआ बोल रहे हैं, कोई भी पानी उसको देखने वाला आज भी। लोगों ये किस्सा जब मैंने वो सुनाया, वो लड़का मौजूद बैठा था यज्ञ पर जो छोड़ के आया था, तो वो महाशय जी कहने लगे पंडित जी हमारे घर का भी यही हाल होना है, कि जो कुंवर साहब बैठे बता तो हमें पहले ही दी थी बात कि ये छोड़ के आए हैं। मैं कहा ठीक है, अब आई मैं ये ऐसा करो ले वाला। बोले कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी यहाँ भोजन नहीं करूँगा। अब बहुत बड़ी समस्या आ गई, मैं कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। 3 दिन तक प्रोग्राम तो करूँगा लेकिन भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। बोले कि मैं जाऊं कैसे, मैं जाऊंगा तो मेरी पिटाई होगी। क्या मतलब अच्छा पिटाई तो होगी, अब मेरे पिटने के तो तुमने काम किए हैं, अब पिटना तो बेटा पड़ेगा तुम्हें। अब मैं तरकीब मैं बताऊंगा अगर तुम जा सकते हो। अब वो उसने कहा कि बताओ। मैंने कहा पिटने से डरो मत, ज्यादा ना मारेंगे, तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे ना तुम्हारा कत्ल करेंगे वो, है ना, 2-4 हाथ मार देंगे ऐसा अगर गलत आदमी होंगे तो। मैंने समझाया, मैंने कि जाकर के सबको नमस्ते करना, थोड़ा झुक जाना, सास के पैर छू लेना, ससुर के पैर छू लेना, बात खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा वो गया और जाने के बाद में मोटरसाइकिल लेकर गया और जा करके कोई नहीं मिला, सब खेत में काम कर रहे थे। पत्नी मिली,
बता रहा था पत्नी मिली, उसने देखा कि बोल जल्दी जाओ यहाँ से भागो, अगर कोई आ गया तो तुम्हारी पिटाई होगी, बहुत क्रोध में है सब परिवार। उसने कहा बात तो सुन। बोले बात क्या है? कि जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है वो गुरुजी आए हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक वो बेटी नहीं आ जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अच्छा हमका कोई भूखे बैठे उसके चले जाने के बाद में तुरंत हमने तो खा लिया, हमका कोई बैठे रहते? उसने कहा कि उन्होंने भोजन तो नहीं किया, जब तक तू ना पहुँच जाएगी तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। अब उसके अंदर कुछ दया आ गई बेचारी। अच्छा कौन लड़की चाहती है कि मैं अपने माता पिता के यहाँ रहूँ? इतना बात हुई तब तक उसकी सास आ गई, उस लड़की की माँ आ गई। उसने कहा कौन चोर, पकड़ो इसके लिए अभी पारो। अब उसने ज्यादा कहा तो उसने अपनी माँ को समझाया, सारी बात बताई कि आप गुरुजी आए हुए हैं और उन्होंने भोजन भी नहीं खाया है, ऐसा करो इनकी सुनो। तो माँ कब चाहती है कि हमारी बेटी हमारी घर है? माँ तो चाहती है कि अपने घर रहे और आराम से रहे, सुखी रहे। इतनी देर के बाद में घरवाली भी आ गए, वो भी कुछ गर्म हुए, अब वो उसने बुढ़िया ने शांत कर दिए। और बुढ़िया ने जब शांत कर दिए तो बोले कि मैं अभी लगा के ले जाऊंगा। बोले कि ना अब तो नहीं, कोई समय नहीं, अब तो कल ले जाओगे, आज रुको इंतजाम करेंगे, वही बेदा का ऐसे थोड़ी बेदा कर देंगे। बोले कि वो वहाँ भोजन नहीं करेंगे, अब बहुत बड़ी समस्या। बोले ऐसे भेज दो। सबने कहा कोई बात नहीं है, ऐसे भेज दो। मोटरसाइकिल में बैठा करके और वो 4-5 बजे अपनी भाव पहुंच गया। अच्छा बात खत्म हो गई ना। एक यज्ञ ऐसी चीज है जहाँ पर जो है संगतीकरण सिखाता है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें आपस में मिल करके रहना चाहिए। अपनी गलती कोई, मैंने कल ही बताया ना, अगर आपस में कोई अपनी गलती है तो स्वयं स्वीकार कर लेनी चाहिए।